फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ और ये स्टोरी जो है बहुत ही एडवेंचर वाली है, आपको बड़ा ही मजा आएगा। साथ में आप लोग जैसे मैं बताती जाती हूँ वैसे वैसे इमेजिन करते जाना तो और भी मजा आएगा। ये स्टोरी जो है वो है एडवेंचर ऑफ टोटो। अब आप सोचोगे टोटो ये किसकी स्टोरी होगी, उसका नाम क्या है, ये वो। तो ये जो है स्टोरी टोटो की वो कोई पर्सन की नहीं पर एक एनिमल की स्टोरी है और वो एनिमल है मंकी। अब मंकी का नाम सुनते ही आप लोग सोच सकते हो कि उसने कितनी सारी एडवेंचर चीजें की होगी, राइट? तो ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं हम, और उसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड जो कि एक इंडियन राइटर है और उन्हें 2 अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री और पद्म विभूषण। ओके, स्टोरी जो है राइटर ने खुद अपने ही बारे में लिखी है, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर से ये स्टोरी लिखी है। ये स्टोरी है उनके ग्रैंडफादर की और टोटो उनका जो पेट है वो। क्या कभी आपने सोचा है कि एक बेबी मंकी जो है उसे भी पेट के तौर पर रख सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? नहीं ना। ये जो ग्रैंडफादर है ऑथर के, उन्होंने एक मंकी को एज अ पेट रखा था और उसके बाद उनकी क्या हालत हुई थी ये स्टोरी में जानेंगे। ऑथर के ग्रैंडफादर जो है वो यूज्ड टू थे, वो यहाँ से वहां ट्रैवल करते रहते थे और उनका एक शौक था कि उन्हें पेट रखना पसंद था। तो वो जब जा रहे थे एक टोंगा ड्राइवर के साथ, यानी के जो अपने टोंगा ड्राइवर पता है ना, वो हॉर्स को लेकर जाता है वो वाला, तो वो उस हिसाब से जा रहे थे और तभी उसने देखा कि टोंगा ड्राइवर जो है उसके पास था एक छोटा सा मंकी, रेड मंकी, और वो एकदम क्यूट सा दिख रहा था, जिसे देखकर ग्रैंडफादर जो है एकदम खुश हो गए और उसकी स्माइल जो है वो भी एकदम मस्त थी, ऐसे व्हाइट पर्ल जैसे उसके टीथ दिख रहे थे और उसकी आईज भी एकदम स्पार्कलिंग थी। तो वो देखकर ग्रैंडफादर जो है वो खुश हो गए और उन्होंने सोचा कि इसको वो अपने साथ ले जाएंगे और अपना प्राइवेट जू जो है वहां पर रखेंगे। टोंगा ड्राइवर ने तो उन्हें वार्न भी किया कि ये एक मंकी है तो आप कैसे रख पाओगे सबके साथ, पर ग्रैंडफादर जो है वो तो एकदम खुश हो गए कि नहीं, मैं तो इसे लेकर जाऊंगा। और मंकी जो है उसकी टेल वो यहाँ से वहां उसको पकड़ के, सारी चीजों को पकड़ के कूद रहा था। तो जो ग्रैंडफादर है वो खुश हो गए कि ये एक उसका तीसरा हाथ हो गया उसकी टेल, यानी कि उसके पास 3 हैंड्स है तो वो ज्यादा मस्ती कर सकेगा और उसे ज्यादा मजा आएगा। ऐसा सोचते हुए ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को अपने घर ले आने वाले थे और टोंगा ड्राइवर से उन्होंने 5 रुपए में ये मंकी खरीद लिया। ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है इसलिए 5 रुपए में मंकी उन्होंने खरीद लिया था। अब वो मंकी तो उन्होंने खरीद लिया, पर जैसे आपको पता है अगर हमें कोई पेट लाना होता है तो पहले मम्मी की परमिशन लेनी पड़ती है ना, और उसी हिसाब से ग्रैंडफादर को ये सारे एनिमल्स रखने का शौक तो था पर वो डरते थे अपनी वाइफ से, तो ग्रैंडमदर जो है उनकी परमिशन लेना भी जरूरी था। अब राइटर जो है उन्हें तो पता था, वो सपोर्ट करते थे ऑलवेज अपने ग्रैंडफादर को। तो जब ये लेकर आए टोटो को घर पर तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर ऐसा सोचा कि जब तक ग्रैंडमदर अच्छे मूड में नहीं है तब तक इसको टोटो को उन्हें छुपा कर रखना पड़ेगा। हम अगर कोई गलती करते हैं तो वेट करते हैं ना, मम्मी जब अच्छे मूड में हो तब बताते हैं ताकि हमें डांट कम पड़े, वैसे ही ग्रैंडफादर ने किया कि जब तक उनका ग्रैंडमदर का अच्छा मूड ना हो तब तक टोटो को संभाल के रखना, ऐसा उन्होंने सीक्रेटली संभाल के रखना ऐसा सोच लिया। अब उन्होंने क्या किया, तो टोटो को राइटर के बेडरूम में एक छोटे से क्लोजेट में छुपा दिया और वो कहीं घूम ना जाए इसीलिए उसे हुक पर टाई भी कर दिया। अब टोटो को टाई करने के बाद वो दोनों तो टेंशन फ्री हो गए कि ये जो छोटा सा है मंकी वो क्या करेगा, वो वहीं पर रहेगा, वो कुछ परेशान नहीं करेगा, ऐसा सोच के वो लोग तो वहां से चले गए। फ्यू आवर्स लेटर जब ग्रैंडफादर टोटो को देखने के लिए आते हैं वहां पर तो क्या हुआ, सोचो बंदा ने क्या किया होगा, वो शांति से रह सकता है? नहीं ना, यही किया उस छोटे से बंदर ने। छोटा सा बंदर जो था वो क्लोजेट से बाहर आ गया और हुक भी उसने तोड़ दिया था, वॉलपेपर जो लगाया हुआ था रूम के अंदर अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स वाला जो ग्रैंड मदर का फेवरेट था वो पूरा वॉलपेपर भी उसने फाड़ फाड़ के इतने टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। यहाँ पर तो उसकी मतलब मस्तियाँ खत्म नहीं हुई थी, उसने और क्या किया, तो राइटर का जो ब्लेजर था स्कूल का ब्लेजर उसे भी उसने फाड़ दिया, फाड़ फाड़ के उसके इतने छोटे से टुकड़े करके रख दिए।
और ये देखने के बाद ऑथर तो एकदम शॉक हो गए, ये कैसा ले आए हैं मंकी आप ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर तो जहां ऐसे देख के शॉक होने की वजह, वो तो एकदम खुश हो रहे थे, बोले ये अच्छा बंदर है, इस तरह से गलतियां करता रहता है तो मजा आएगा ऐसे उसके साथ खेलने में। और ग्रैंडफादर ये सोचकर खुश हो रहे थे कि ये एक क्लेवर मंकी है। और उन्होंने और एक बात बताई कि अगर आने में थोड़ी देर हो जाती तो जो आपका ब्लेजर उसने फाड़ तोड़ फोड़ के कर किया है उसकी एक थ्रेड बनाकर वो विंडो से बाहर भी चला जाता। यानी उन्होंने सोच लिया कि ये मंकी तो क्लेवर है, वो कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे पेट को रखने में मजा आएगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। अब क्या हुआ, ये तो उसने ऐसी गलतियां तो कर दी, पर अभी ग्रैंड मदर का अच्छा मूड तो उन्होंने देखा नहीं था, तो उसको अभी भी सीक्रेटली रखना था। तो उन्होंने सर्वेंट का जो क्वार्टर था जहां पर बाकी पेट रखे हुए थे, यानी कि उनका टॉर्टोइस था, पैर ऑफ रैबिट थे, फिर स्क्वीरल्स थी, और राइटर का एक पेट था जो कि गॉड, उन सबके साथ उन्होंने रख दिया। और टोटो जो है वो तो मिसबिहेव करता रहता है, मिस्चीवियस मंकी था, तो उसने उस रात को किसी को भी सोने नहीं दिया और अपने मस्तियां जारी रखी उसने। अब सब लोग तो परेशान हो गए थे बाकी के पेट। और फिर जब ग्रैंडफादर को ये पता चला कि टोटो इनके साथ भी नहीं रह सकता, नेक्स्ट मॉर्निंग पर ये जो ग्रैंडफादर है उन्हें अपना पेंशन लेने के लिए देहरादून से जाना था सहरानपुर, और वहां पर जाकर उन्हें अपना पेंशन कलेक्ट करना था। इसीलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि वो टोटो को अपने साथ ले जाते हैं ताकि यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। वो टोटो को तो अपने साथ बैग में लेकर गए, ब्लैक कलर की एक बैग थी जिसमें टोटो को उन्होंने संभाल के रख दिया था। अब टोटो को रख कर उन्होंने चेन इतनी टाइट बंद की थी कि टोटो वहां अंदर से बाहर ना आ सके, पर टोटो ऐसा होने देता नहीं ना, तो टोटो ने बाहर आने की बहुत कोशिशें की। पर जब तक ये देहरादून से सहारनपुर पहुंचते थे तब तक ट्रेन में उन्होंने क्या किया, टोटो ने पूरा यहाँ से वहां ऐसे कूद कूद रहा था, तो बैग भी ऐसे हो रही थी, तो बाकी पैसेंजर्स भी देखने के लिए एकदम एक्साइटेड थे कि इस बैग में ऐसा तो क्या है जो ऐसे कूद रहा है। पर वहां से जब वो देहरादून से पहुंच गए सहारनपुर, वहां पर टिकट कलेक्टर जो था, जहां पर टिकट दिखानी थी ग्रैंडफादर को, वो जस्ट टिकट दिखाने ही वाले थे कि टोटो अचानक से बैग में सकता है ऐसे बाहर निकल गया। और ऐसे जैसे टोटो बाहर निकला और टिकट कलेक्टर जो है उसे देखकर एकदम शॉक हो गए, और उसने बोला कि ग्रैंडफादर से कि आप एक डॉग को अपने साथ ट्रैवल करवा रहे हैं तो उसकी टिकट भी आपको देनी पड़ेगी। ग्रैंडफादर ने कितना समझाया कि भाई ये डॉग नहीं है, एक छोटा सा मंकी है, ये चार पैरों वाला डॉग नहीं पर ये एक मंकी है, पर टिकट कलेक्टर तो माने ही नहीं, बोले नहीं ये तो सिर्फ और सिर्फ डॉग की कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए आपको उसकी टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। और फिर क्या होता, वो माने नहीं तो ग्रैंडफादर ने 3 रुपीस पे कर दिए। उसके बाद वो ग्रैंडफादर जो है गुस्सा हो गए थे कि ये कैसा टिकट कलेक्टर है, कैसे डॉग और मंकी में उसे फर्क नहीं पता चलता। तो उन्होंने क्या किया, अपने पॉकेट में से एक टॉर्टोइज निकाला और पूछा कि देख लीजिए, इसे भी चेक कर लीजिए, क्या ये इसके भी पैसे मुझे भरने पड़ेंगे या नहीं। तो टिकट कलेक्टर ने उसे ऐसे चेक किया, देखा नहीं ये तो डॉग की कैटेगरी में नहीं आता, तो इसके पैसे नहीं भरने। फिर ग्रैंडफादर उसे जो टॉर्टोइज है उसे पॉकेट में रखकर फिर वहां चले गए। तो इस तरह से स्टोरी में देखा कि टोटो ने किस हिसाब से ग्रैंडफादर को परेशान किया, बाकी लोगों को भी परेशान किया। अब इतनी सारी परेशानी झेलने के बाद ग्रैंडफादर जो है उन्होंने फिर ग्रैंड मदर को धीरे धीरे से बोल ही दिया कि टोटो जो है वो अपने घर पर आ गया है और उन्हें अपने प्राइवेट रूम में रखना है। तो ग्रैंड मदर भी बोले ठीक है, तो उसे कहाँ रखेंगे, तो जो उनका पुराना सा डोंकी था उसके स्टेबल में टोटो को रखने की उन्होंने हाँ कर दी। अब टोटो को वहां पर रख दिया, तो टोटो वहां पर भी सीधा नहीं रहा, जो डोंकी था उसका नाम था नाना, और नाना को परेशान करने लगा। उस रात को जब देखने गए ग्रैंडफादर के टोटो ओके है या नहीं वहां पर, तब जाकर वो देखते हैं कि टोटो तो ओके है पर जो डोंकी है वो ओके नहीं है, क्योंकि ये जो बंदर है वो डोंकी को भी इतना परेशान कर रहा था, उसे यहां से खींचता है वहां के से खींचता है, ऐसे उसे
परेशान करने लगा था, तो डोंकी भी एकदम परेशान हो चुका था अब क्या करना चाहिए। फिर भी उन्होंने मैनेज किया कि टोटो को वहां रखे। जब तक टोटो रहा तब तक नाना और टोटो एक दूसरे के फ्रेंड नहीं बन पाए, एक दूसरे के मतलब दुश्मन की तरह ही थे, दोनों एक दूसरे को परेशान करते रहते। उसमें ज्यादातर टोटो नाना को परेशान करता था। फिर एक दिन की बात है, लंच टाइम था उस दिन, सब लोग जो है लंच टाइम पर इकट्ठा हो रहे थे और डाइनिंग टेबल पर एक पुलाव की, अच्छे से पुलाव, वेज पुलाव जो है उसकी प्लेट रखी हुई थी। जब ग्रैंड मदर वहां पर एंटर हुए, साथ में राइटर और ग्रैंडफादर भी, उस टाइम पर उन्होंने क्या देखा, तो देखा कि टोटो जो है वो पुलाव के अंदर बैठा हुआ था, उसने अपने आप को पुलाव से कवर कर रखा था। ये देखने के बाद तो मतलब ग्रैंड मदर जो है एकदम से चिल्लाई, और जैसे ही वो चिल्लाई टोटो ने क्या किया, सामने उन्हें प्लेट फेंक मारी। और ग्रैंड मदर तो कैसे गुस्सा हो गई होगी, आप इमेजिन कर ही सकते हो। ये देखने के बाद उनकी जो आंट थी, राइटर की आंट, वो भी वहां पर जाती है, और वहां पर जाती है तो उन्हें क्या मिलता है रिटर्न में, पानी का भरा हुआ ग्लास उनके ऊपर फेंक देता है टोटो। ये देखने के बाद जब ग्रैंड फादर आते हैं और टोटो को मतलब उसके ऊपर चिल्लाते हैं, उसी टाइम पर टोटो जो है बाहर जैक फ्रूट का ट्री था वहां पर बैठ जाता है, और उसके हाथ में अभी भी वो ट्रे है जिसमें पुलाव था। और जब लोग ये सब चिल्लाते हैं तब वो क्या करता है, एक प्लेट तोड़ देता है। ये देखने के बाद ग्रैंड मदर एकदम गुस्सा हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि ग्रैंडफादर ने देखा कि उन्हें इतना सारा लॉस हुआ है, तो वो अब ये सारा लॉस बेयर नहीं कर सकते। जहां पर उनके वॉलपेपर्स फट गए, जिसकी वजह से फिर जो ब्लेजर था राइटर का वो भी फट चुका था, उनकी प्लेट्स भी टूट चुकी थी, कर्टन्स भी ऐसे उसने फाड़ दिए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब ये मंकी हमारे घर पर रहने लायक नहीं है। तो फिर ग्रैंडफादर जो है उसी डोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं और वापस उसे 3 रुपीज में दे आते हैं। देखो, जिसे 5 रुपए में खरीदा था उसके बाद इतना सारा उन्हें लॉस हुआ, और फिर वापस से उसे 3 रुपीज में बेचकर आए। तो ऐसा था एडवेंचर ऑफ टोटो। आप बताएं, आपके पास कोई ऐसा पेट था जिसकी वजह से आपको ऐसी तकलीफ हुई है? हमारे पास भी एक पेट था जिसने हमें बहुत परेशान किया, छोटा सा डॉग जिसे मैं वोडाफोन वाला कुत्ता ही बोलती हूँ आज तक, पग था, और जब हम सो रहे थे रात को तो वो उसने भौंकना स्टार्ट किया, पूरी रात उसने भौंका है, हमारी नींद खराब कर दी है। फिर भी हमने उसे रखा था थोड़े दिन, फिर उसके बाद जैसे ग्रैंडफादर को पता चल गया कि उसे नहीं रखना चाहिए, वैसे हमें भी पता चल गया कि डॉग्स जो है उसे नहीं रखना चाहिए इस हिसाब से, तो हमने फिर उसे वापस जहां से लाया था वहां पर दे दिया। तो आप भी ऐसे शेयर कीजिए कि कोई पेट आपने रखा हो और उसने आपको ऐसे परेशान किया हो। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ, टिल देन बाय।